रहा था कि मुझे आने में देर लग जाएगी। झूठ क्या बोला? झूठ क्या बोल रहे नटो काका? तो झूठी हुआ ना, आप तो जल्दी आ गए। अरे भाई हमारी बात हुई, उसके बाद मुझे छोटी मिला तो वो भी गैरेज के लिए निकल ही रहा था, तो उसने बोला कि जटापुरा मैं आपको अपनी जीप में छोड़ देता हूँ दुकान, इसलिए जल्दी आ गया। अच्छा भागा का? कौन भागा? नटो काका जाओगे आपको? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। तो कौन भागा मतलब? अच्छा कहीं मुझे आने में देर हो जाएगी यह सोच के भावरी के साथ घूमने तो नहीं चला गया? नहीं नहीं सेठ जी, भागा घूमने नहीं गया है। तो कहाँ गया है? वो गोडाउन में ब्रिज का स्टॉक चेक कर रहा होगा। ब्रिज? आई मीन फ्रिज का स्टॉक चेक करता होगा। फ्रिज? अरे पर कल ही तो फ्रिज का स्टॉक चेक किया था, आज फिर से क्यों कर रहा है? रीचेक कर रहा होगा। आपने बोला रीचेक करने के लिए? नहीं। तो क्या टाइम पास कर रहे हैं वो गोडाउन में? अरे सेठ जी आप कहाँ जा रहे हैं? गोडाउन में? अरे अरे सेठ जी आपको गोडाउन में जाने की तकलीफ लेने की जरूरत क्या है? मैं बाघा को यहाँ बुला लेता हूँ ना। लेकिन मैं गोडाउन में जाऊँ उसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो सेठ जी आप अभी अभी दुकान आए हैं, जरा रिलैक्स हो जाइए, चाय भाई पीजिए, तब तक मैं बाघा को बुला लेता हूँ। जब तक मैं गोडाउन में जाकर देखना लूँ कि बाघा एग्जैक्टली वहाँ क्या कर रहा है, तब तक मैं रिलैक्स नहीं हो सकता। हे भगवान बाघा बावरी को बचा लेना। बागेश्वर जी आप मेरे लिए गाना गाइए ना। नहीं नहीं बावरी जी, मुझे शर्म आती है। किससे? हमारे अलावा तो गोडाउन में कोई है ही नहीं। अच्छा इसलिए नट्टू काका मुझे गोडाउन में आने से रोक रहे थे। अच्छा बावरी जी, सेठ जी आए उससे पहले फटाफट आपके मोबाइल के लिए कवर खरीद लेते हैं, ये देखिए। कवर एकदम मस्त है, जब भी आपका फोन बजेगा इस मोबाइल के कवर की लाइट लबुक जबुक होगी। क्या लाइट क्या होगी? लबुक जबुक। क्या हुआ, तेरी लाइट क्यों बुझ गई? फिर से चालू हो गया तुम दोनों का। कितनी बार बोला, अभी तो मुझे बोलने का भी कंटाला आता है। बोला है ना भाई के काम के टाइम पे बावरी दुकान में नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। पर ये तो गोडाउन है ना। आपने गोडाउन में आने से थोड़ी मना किया है, आपने दुकान में आने के लिए मना किया है। बावरी जी, सेठ जी, दरअसल मैं तो गोडाउन में फ्रिज का स्टॉक चेक करने के लिए आ रहा था, उतने में बावरी जी आ गई। और सेठ जी इस वक्त बावरी जी बन के नहीं कस्टमर बन के आई है। अच्छा मतलब तू हर कस्टमर के लिए गाना गाता है? नहीं नहीं सेठ जी, सबके लिए नहीं, बावरी जी के लिए, क्योंकि तब थोड़ी देर के लिए बावरी जी कस्टमर में से बावरी जी बन गई थी। क्या बोल रहा है तू बाघा? मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ सेठ जी, दरअसल बावरी जी अपने मोबाइल के लिए कवर लेने आई हैं, लेकिन हम तो दुकान में मोबाइल कवर रखते नहीं, इसलिए मैं उनको मोबाइल कवर का ऑनलाइन शॉपिंग करवाने में मदद कर रहा था। अरे पागल हो गया है तो? ऑनलाइन शॉपिंग वालों की वजह से तो हम दुकान वालों का धंधा कम हो रहा है, और तू ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा दे रहा है। अब बागेश्वर जी को मत डांटिए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो किसकी? तेरी गलती है? नहीं। तो किसकी गलती है? आपकी दुकान की। अगर डांटना है तो आप अपनी दुकान को डांटिए। आप क्या बोल रही है बावरी जी, इसमें दुकान की गलती कैसे? गलती है बागेश्वर जी, अगर दुकान ने अपने अंदर मोबाइल कवर रखे होते तो आज ऑनलाइन शॉपिंग करने की नौबत नहीं आती। आप मुझे दुकान से अच्छा सा मोबाइल कवर दे देते तो खेजालाल जी के आने से पहले मैं घर ही चली जाती। खेजालाल? नहीं खेजालाल नहीं बावरी जी, सेठ जी का नाम जेठालाल जी है। सॉरी सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई बागेश्वर जी। बावरी जी इतना सिंपल नाम है जेठालाल जी, आपको याद क्यों नहीं रहता? वो मुझे भी समझ में नहीं आता। ये बाघा के नाम में तो तू कभी गलती नहीं करती है? उसको बाघा का घाबा या घाबेश्वर ऐसा कभी नहीं कहती? बागेश्वर जी का नाम तो मुझे पहले ही दिन से ऐसा याद है,
जिंदगी भर भूल ही नहीं सकती।